नहीं है, इसके अंदर टावर चल रहे हैं, इसके अंदर हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में एडमिन के टावर चल रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक ईमेल जीमेल, इसके अंदर ये चल रहे हैं। भाई देखो शेख जी, कुछ भी हो बेटी, हम वहां भी आएंगे जहां देख करके सोच समझ अच्छे से देख करके तसल्ली कर लेंगे। भाई नहीं, आंखों देखी मक्खी तो हम सटक नहीं सकते। जा मक्खी, निकल निकल जा। अरे निकल रे, निकल निकल यार, बेइज्जती मत क्या करो, निकल ले, बेइज्जती नहीं उठा नहीं, निकल ले बहन जी, सब कुछ ठीक है मगर ये यहाँ पे ठीक नहीं है। अजी बैठे तो सही, साले के हिरन मारूंगा, हिरन मारूंगा थानेगा इसका। अरे हराम खोरो, मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे छोड़ दो हराम खोरो, मैं तो थाना रिश्ता पट्टा करवाने के चक्कर में था। भाग एडमिन भाग, कत्ता भी समर जाना, पहले उड़े का रिश्ता बना बना बिगाड़ दिया एडमिन के बच्चे, मैं तेरा वर्ल्ड में एडमिन चल रहा है, फेसबुक यूट्यूब चल रही है, तो हमारे लौंडा रिश्ता नहीं होता। तो पता नहीं एडमिन का बच्चा कहाँ से आ जावे, हर बार मेरे लौंडे का रिश्ता ना होने दे रहा, मेरे फुलवा जैसा लौंडा हर बार मन महसूस कर रह जावे। और तू क्या बैठा है यहाँ, जा दूसरा रिश्ता देख के ला। अरे देख लूंगा, अरे बंद, अरे यार तुझे मार रहा है, कहने जल्दी मैं बीए पढ़ाऊंगा, तुझे डिग्री बता दिया, हम अपना डिग्री बता देते, अच्छा नहीं मैं अपना हाथ पे रखूंगी, हाथ लगाऊंगा पाई जाए। और क्या कहती, पहले कहती हमसे लाड़ से रखेंगे, लाड़ से रखेंगे, मैं तो काम तो तुम बिगाड़ो सारा, है ना, जा चला जा, और अब की बार ऐसा रिश्ता ढूंढ कर लाइयो जो भी रिश्ता पक्का ही करके जावे। एक बात इस एडमिन का ढंग बना ले, भटकना जा आज भी, इसका तो मुझे इंतजाम करना पड़ेगा एडमिन के बच्चे का। बस चुप हो जा, शेख चिल्ली ला रहा है ना दूसरा रिश्ता, चल बैठ, चल समोसे खा तू। गोलगप्पे वाला था खड़ा, मगर मेरे पास आना भी नहीं है, खाऊंगा कैसे, हाँ फंसेगा कोई, वो भी ये तो फंस गई चिड़िया। मैडम आपको गोलगप्पे खाने? गोलगप्पे? हाँ तुम्हें क्या मतलब? मैं मेरा मतलब ये है कि मुझे भी खा। भाईजान। हाँ जी। इलियास चिड़िया का घर कौन सा है? ये रे। ये भाईजान इलियास चिड़िया आप ही हो? अजी मैं ही हूँ इलियास चिड़िया, कहिए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? अजी कहना क्या, आपके पड़ोस में कोई डांस का प्रोग्राम है शादीवादी का, किसी ने कहा था इलियास चिड़िया से पूछ लेना। अच्छा वो शादी तो कब की होगी, पर एक बात तो बताओ डांस का प्रोग्राम करती हो क्या? अजी लड़की नाचती है, मैं तो दलाल हूँ बीच में। अच्छा एक बात बताओ, मेरे घर भी नाच दोगी क्या? जो कहोगी वही दे दूंगा, और भी सोच लो कुछ, जो कहोगी वही दे दूंगा। जैसा कहोगे वैसा करूंगी, प्रोग्राम कब है? कल ही रख लो, जो कहोगी वही दे दूंगा, पैसों का कोई मेरे पास तोड़ा है ही नहीं, इलियास चिड़िया के पास। और एक बार मिलवाना भी। अच्छी सेल्फी पाल रखी तो दे एडवांस, पैसों की तो कोई कमी ही नहीं इलियास चिड़िया के पास, ये पकड़ो एडवांस। और ये सामने वाला घर है मेरा, कहो तो अभी दिखा दूं। नहीं 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 कल आएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है चलो। अरे डांस कब शुरू होगा? डांस भी शुरू हो ही जाएगा, शाम भी होगी है, एडवांस मैंने दे ही रखा है, आती होंगी वे बस। अरे यू शेख चिल्ली कैसा आया? अपू डांस देखने आया होगा, देखने दो। चल ठीक है कोई बात नहीं। सिंगार दानी छोटी हाय दैया दैया।
लाख के जेवर पहन के इंतकाल में और ये हीरो के कंगन पहन के कैसे जाऊंगी? कैसे जाऊं अल्लाह? यहाँ कौन है? किस पे विश्वास करूं? या मेरे मौला? यार अगर मैंने शेख चिल्ली के पैसे वापस ना दिए और इसने सबके सामने यूं कह दी कि शेख ने मेरे पैसे रख लिए, तो ये जो 5 लाख के गहने पहन रही है ये तो मेरे पास नहीं रखेगी। ऐसा करता हूं, ईमानदारी दिखाता हूं, शेख चिल्ली के पैसे वापस कर देता हूं। ले बस एक चिल्ली, अपने पूरे पैसे गिन ले। मेरे पैसे बहुत, मेरी मेहनत की कमाई है बोला जी, मेरी मेहनत की कमाई है। कमाल का आदमी है तू, भी भेड़ का फुप्पा ही है, रखे कहीं है, ढूंढे कहीं है, हैं? इलियास चलिया को ऐसी मान रहा होता क्या शेख जी? मेरे अब्बू बिल्कुल ठीक है, अब डांस नहीं रुकेगा। इसलिए नाची, मुझे तो पैसे मिलेंगे पैसे। और शेख चिल्ली तू क्यों नाचा? मैं इन्हों नाच रहा हूँ, मुझे 6 महीने की कमाई कोई कुआई मिल गई, अब मुझे तो खुशी में नाच रहा हूँ। और इलियास चिड़िया तुम क्यों नाचे? भाई मेरी भी बात सुनो। सुनाओ। अजी मेरी ना पूछो, जो पैसे मुझे इसे देने थे वो तो शेख चिल्ली के थे, मैंने शेख चिल्ली को दे दिए, अब तो यू मेरा डांस देखो और मैं इसका डांस देखूं। हराम जादे, हम कोई नाचने वाली नहीं है, ये तो तुझे सबक सिखाने के लिए हमने चाल चली थी, वरना तो मेरे बेटे शेख चिल्ली के पैसे देता। ठीक है तो फिर मिलेंगे। तो जाओ खाओ पागल कहीं के। मैं खाता लूं मगर उन्हों करा दोनों को खिलाऊंगा। जाओ खाओ। ₹5 हो गए भाई। भैया गोलगप्पे खिलाना। कितने के खिलाऊं जी? भाई साहब मुझे तो 4 खिला दो, बाकी ये जितना खाए से खिला दो। अच्छा जी। खिला दे, मुझे लग रहा नया खिला रहा। भैया मीठा मटन अभी खोली भाई दुकान। आराम से भाई, कदा पूरा डूबो दे। ये लो जी आप भी पूरा डूबा हो ले हो। मैडम आप पे खुले पैसे हैं या मैं दूं? मैं अपने आप दे दूंगी, आप जाइए। चलिए ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मेरा नाम शेख चिल्ली है। भाई साहब कितने पैसे हुए?
10 रुपए हुए जी। मैंने तो 5 के ही खाए हैं। 5 के जो आपके मियाँ खा के गए। मियाँ मियाँ होंगे तेरी बहन के। मैं तो उस कमीनी को जानती भी नहीं हूँ और मैं नहीं देने वाली पैसे वैसे। मैडम पैसे आप ही दे के जाओगे। मैडम जब वे पूछ रहे थे पैसे मैं दे दूंगा तो आपने पैसे देने नहीं दिए उन्हें कि मैं अपने आप दे दूंगी पैसे। तो पैसे मैडम मैं आप ही से लूंगा। अगर नहीं दिए तो ये जाने नहीं देगा। उस हरामजादे से तो बदला लेना ही है। क्या नाम बताया था? हाँ शेख शिल्ली। ये लीजिए आपके पैसे। ठीक है जी। अरे अमीन, अरे कहाँ गए तुम सब लोग? मामू क्या बात है, क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं मामू, खाना खा रहे थे। खाना खा लिया? हाँ मामू। अच्छा ला मुझे भी दे देते, मैं भी खा लेता। अरे शेख चिल्ली भाई तुम कहाँ गए थे? मैं सारे में ढूंढ आया तुम्हें। मैं चला गया था जी घूमने के लिए। अबे ये कौन है? मामू ये मेरा दोस्त है, मेरे गांव का है। ये परेशान है बहुत, मैं इसे अपने साथ ले आया। अच्छा क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मामू मेरा नाम शेख चिल्ली है। शेख चिल्ली। मामू तुम दुनिया की शादी कराओ, तुम्हें लोग शादी खान गए, मेरे दोस्त की भी शादी करा दो। शादी करेगा? हाँ मामू 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 मेरी शादी करा दो। मामू मामू तुम कितने अच्छे हो। मामू तुम्हारी शिकल मेरी अम्मी से मिलती है, मेरे अब्बू से मिलती है। मामू मेरी शादी करा दे, बस मेरी शादी करा दे। मुझे छोड़ तो सही, जब ही तो कराऊंगा तेरी शादी। चल तुझे एक लड़की बताऊं मैं। लड़की? मामू चल उधर बैठ, पहले उधर बैठ। ठीक है मैं उधर बैठता हूँ। बेटे की जान देख, लड़की तो है बड़ी सुंदर है। सुंदर है? हाँ लेकिन उसकी शर्त है, उसका बाप बड़ा शरीफ है और उसकी माँ और बेटी एक नंबर की शैतान है। दोनों शैतान है मामू। ये बात तो सोचने वाली है मामू। बोल भाई शेख चिल्ली क्या शर्त है मामू? शर्त अगर तू शर्त झेल जा तो सिर्फ 6 दिन में शादी करा दूंगा तेरी। 6 दिन में शादी? तू कितने अच्छे मामू। मामू मैं हर साल झेल जाऊंगा, मैं झोड़ में कूद जाऊंगा। झोड़ में कूदने की जरूरत नहीं है। झोड़ में कूदने की जरूरत नहीं है? झोड़ से खतरनाक शर्त है। क्यों ना इस मगरूर लड़की शादी इस शेख चिल्ली से करा देता हूँ, अपना भांजा बता के। इस पे जूत भी पड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसने उल्टा कर दिया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। मामू क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ बेटा कि इसकी शादी कराए देता हूँ। अब तू शर्त सुन ले। शर्त बता दो मामू। देख उसकी शर्त ये है, उस लड़की से जो लड़का शादी करेगा सुबह को उठ के 5 जूत रोज उसके सर पे मारेगी। ये कोई बात हुई? इससे अच्छा तो कोई और देख लो। ए मामू तुम चुप रहो भाभी। मामू जो हो रहा होने दो, लगन दो रगड़ा, लगन दो लगन दो। ये तो बिल्कुल तैयार है भाई। मैं तैयार हूँ मामू। चल तो ठीक है, मैं आज ही आके बात कर लेता हूँ। ठीक है मामू। मामू चल चल चल, शाबाश मेरे बच्चे। तू फिक्र मत कर, मैं तेरा आज रिश्ता करा दूँ, आज ही करा दूंगा। आजादी करा दो, आजादी करा दो। 6 दिन में ही बापू। छोड़ो भाई, आज हम सबको यहाँ क्यों बुलाया आपने? अरे बुलाया कि भाई ये सलीम को देखने के लिए आए। बुलाओ सलीम को, देर की बात की है। अरे सलीम आजा भाई, कहाँ है? सलाम अलैकुम। देखो भाई ये बच्चा हमारा। हाँ भाई देखा लड़का? हाँ जी लड़का तो अच्छा है, हमें पसंद भी है। ओ वो तो बढ़िया बात है भाई, पर मेरी एक शर्त है। बताओ शर्त बताओ कोई। मेरी लड़की लड़के का 5 जूत रोज मारा करेगी। अरे दोबारा कहिए भाई, ये समझा नहीं मैं। मैं ये कह रहा था कि मेरी जो लड़की है ना, अच्छा वो तुम्हारे लड़के के 5 जूत रोज मारा करेगी। मतलब तेरी लड़की हमारे लड़के के जूत मारेगी?
ग्यारह गांव दुख ठीक ना जाइए मजे हमसे तो ग्यारह गांव मेरी हिस्सा ना ले अपनी आगे ले जा देखो ये हमें अब हम ऐसे पिटते रहेंगे। देख बेटी तू अपनी जीभ छोड़ दे, मैं 10 जगह होके आया हूँ, जहाँ पर भी जाता हूँ लोग मेरी बेइज्जती करके मुझे भगा देते हैं और आज तो भसरा ही छेद दिया। अबू मैं तो अम्मी की बात मानूंगी, तुम्हें पता है अम्मी रोज तुम्हारे 5 जूते मारती है, शाम तक देखते भी नहीं हो। बेटी हमारी बात तो पुरानी हो गई, तुझे गांव में सब बदतमीज कहते हैं। मैं तो अल्लाह से ये दुआ करूंगा कि मेरे जैसी बीवी ऊपर वाला दुश्मन को भी न दे। क्या कह रहे हो, मैंने सब सुन लिया है, लड़कियों क्या पहाड़े पढ़ा रहे हो, हमने जो कह दिया वो कह दिया, चाहे लड़का कभी मिले। अस्सलाम वालेकुम शेर खान, भाई शेर खान जी मैं इसलिए आया था, मुबारक हो आपको, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपकी लड़की के लिए लड़का मिल गया है। सच? शादी खान जी शादी जल्दी करा दो, मैं नहीं कहती थी ऐसा लड़का जरूर मिलेगा। कुछ तो बताओ उसके गांव का नाम क्या है? दूर का नहीं है, मेरा अपना खुद का भांजा है, नाम है उसका शेख चिल्ली, बहुत सुंदर लड़का है, आप 5 तो क्या उसको रोज 6 जूते मार लेना। कहीं ये वही तो नहीं जो मेरे पैसों से गोलगप्पे खा गया था? चाचा जान कहीं ये वही तो नहीं जिसकी पतली सी दाढ़ी है और वो कच्छा पहन के घूमता है? हाँ हाँ वही तो है, मगर तुम कैसे जानती हो बेटी उसे? मैंने भी तेरे से निकाह करके तेरा हिरन नहीं बनाया तो मेरा नाम भी रुखसाना नहीं। हाँ हाँ कर दूं, क्या सोच रही है? हाँ अम्मी हाँ कर दो, अब जल्दी शादी करा दो मेरी, मुझे बदला भी तो लेना है। हाँ हाँ कर दी, पक्का निकाह करा दो। ठीक है जी कराए देता हूँ। हाँ लेकिन उस लड़के की एक शर्त है, उसे जहेज चाहिए। अच्छा? और जहेज में कुछ सामान चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसको जहेज में एक मुर्गी, एक मूसल, एक छाछ यानी कि सूप और एक खालिक कनस्तर चाहिए। हमें सब मंजूर है शादी खान जी। ठीक है अगर आपको सब मंजूर है तो मैं चलता हूँ, अब आप लोग शादी की तैयारी करो। अच्छा सलाम वालेकुम। बेटी तेरा नसीब बहुत अच्छा है। आ, आ। अच्छा अम्मी पता तो जब लगेगा जब शादी हो जाएगी। अरे तू चुप रह। बस अलू आज तू भी खेत में नहीं गया हरामी। आज छुट्टी है, अभी तो छुट्टी कर लेने देख लो। शेख भाई अब तो मामू तुम्हारी शादी करा देंगे, फिर तो साथ साथ रहा करेंगे। साथ साथ तो रहेंगे, जो औरत अपने शोहर को 5 जूत रोज मारेगी है इनकी कितनी बदनामी होगी, इनके साथ साथ हमारी कितनी बदनामी होगी। भाभी तुम चिंता मत करो, मैंने भी साली का हिरन ना बनाया तो मेरा भी नाम शेख चिल्ली नहीं, बस एक बार मामू मेरी शर्त पूरी करवा दे फिर मैं न जानी। हाँ क्यों सलमू? सही बात है। बेटा रे तेरी एक एक चीज मिलेगी, बस आगे तू जान कि तू आगे क्या करेगा। हमने तो कभी नहीं सुना जो 5 जूत रोज अपने पति के मारे, या अल्लाह कैसा जमाना आ गया ये। ठीक है होने दे जो हो रहा, तू खाना बना चल के, हमें भूख लगी है, अभी आते हैं हम। चलो देख चलो 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 घूम के आते हैं बेटे, मामा ने खुशखबरी दे दी। अबे शादी के 6 दिन रह गए, तैयारी भी करनी है, अब तू बैठा बैठा मेरा मुंह का टुकड़ा टुकड़ा देख रहा, चल पानी लेके आ।